आज करूंगा आप लोगों से एक सवाल, और ये आ गया जी मेरे हाथ में परिंदा। ये देख सकते हैं बेबी पिजन, जो इस छत पे मैं जब मैंने कबूतर लेके आया था, और उसके बाद थोड़े दिन बाद ये बेबी पिजन मैं लेके आया था। आज इसकी मैं आँख का शो कराऊंगा आपको, और आपसे होगा मेरा एक सवाल, और आप लोगों का मुझे चाहिए जवाब। तो गाइज, मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। और ये हाथ में मेरे देख सकते हैं छोटा सा बेबी पिजन है, और इसके बारे में मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ बहुत सारे धुरंधर लोग हैं इस दुनिया में, और आए जी सवाल पे। और ये देखें जी इसकी आँख, आँख देख रहे हैं इसकी, ये देख लें जी। पहले जब बच्चा था ये, अपनी आँख को जो था इसने बहुत ज़्यादा डार्क रखा था। लेकिन मैं आप लोगों से इसकी आँख से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, या इसकी नस्ल को लेके क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो ये देख लें जी इसकी आँख, देख लें अच्छे से, और मुझे आप बता सकते हैं कि क्या इस कबूतर में कौन सा पर या कौन सी नस्ल मौजूद है। और ये मेरा सवाल है इस वीडियो में आपके लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के जवाब जो हैं वो सही आते हैं और कितने गलत। और फिर मैं आपसे जो है आप डिटेल में बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या चीज़ डाली थी, या क्या कौन से परिंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं, या क्या क्या नस्लें मैंने इसके अंदर डाल के ये तैयार किया है। इसकी आँख देख लें ज़रा आप अच्छे से, गौर से, और मैं थोड़ा और ज़ूम करता हूँ ताकि आपको इसकी आँख के अंदर ही ले चलता हूँ। ये चेक कर लें जी इसकी आँख, देख रहे हैं ये आँख, देख लें जी। मेरा सवाल इसकी आँख को लेके ही है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े खैर मैं तो अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन सवाल तो खैर पूछ सकता हूँ ना किसी से। तो ये देख लें जी, अभी ये थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा ही अपनी आँख साफ़ करेगा, और फिर से ज़ूम आउट करता हूँ मैं, और ले चलता हूँ आपको इसकी बाकी की डिटेल्स के ऊपर। तो फ़िलहाल ये देखते हैं कितने पर का हुआ है। 2 3 4 5 6 6, और ये आ गया जी 2 पर का बच्चा हो चला है ये। 1 2 एक 2 3 4 5 6 7, मतलब तीसरा पर इसने गिराया हुआ है, और ये आ गया जी इसका पर पुर्जा। ये देख लें जी, ये चेक कर लें इसका पर पुर्जा, और ये देख लें आपके सामने है, छोटा सा बेबी पिजन है, और इसने अभी खैर पर ये तीसरा पर लेके आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये इसका तीसरा पर आ रहा है, ये देख रहे हैं बीच में तीसरा पर इसका आ रहा है। और इसकी बहन मेरे पास अभी उड़ी है इसी सीज़न, अच्छी खासी उड़ी, और वो बाद में ज़ाया होगी, और ऊपर से आई ही नहीं बेसिकली ना, पक्की थी, लगी हुई थी अच्छी खासी, लेकिन स्टिल वो आई नहीं। और अभी ये टेल भी ये देख सकते हैं इसकी, अभी पुराने ही पत्ते हैं इसके अंदर, बीच में ये टेल थोड़ी इसकी अपसेट सी होगी हुई है। और ये आगे जी इसके पंजे, पंजू पे भी ध्यान दे दीजिए, इसके नाखून वाखून देख लीजिए। और ये इसकी हड्डी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे देता हूँ, मैंने एक दिन पहले भी इसकी एक वीडियो डाली हुई है। 1 2 3, मतलब मान लीजिए मेरी 3 उंगलियाँ और एक उंगली के फासले के लगभग पे इसका जोड़ है, और ये आ गई जी इसकी ओवरऑल बनतर। छोटा सा है अभी, मेरे को लग रहा है ये माती निकलेगी। आँख पे एक बार फिर से आ जाता हूँ मैं, और ये सवाल है मेरा आपसे आज, ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप लोग इसका जवाब ज़रूर दें। तो ये छोटी सी वीडियो ही मैं रखूँगा, और इस सवाल के साथ फिर से मैं ये वीडियो जो है वाइंड अप करूँगा कि आप मुझे बताइए ज़रा इसमें कौन सी आँख या कौन सा क्रॉस डला है। और मैं थोड़ा इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर करके, ताकि इसकी आँख में मैं नहीं यार, थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम हो रही है अभी। ये चीज़ देख लें भाई, अब देख लें ये वाली आँख दोबारा से, देख लें मैं ज़ूम करता हूँ अच्छे से, और ज़ूम करता हूँ मैं, ये चेक कर लें इसकी आँख ही आँख दिखाऊँगा आपको खाली। अब ध्यान से देखिए ज़रा आँख में, मुझे बताइए ये किन नस्लों का मेल है, क्या है ये। और ये देख सकते हैं आँख इसकी, बहुत मतलब
गहरी आंख थी पहले, लेकिन अब ये जो है लास्ट वीडियो देखेंगे ना आप, तो उसमें इसकी आंख साफ बिल्कुल नहीं थी। अभी ये 3 पर का है, जैसे 5 पर का ये हो जाएगा ना, अभी पता नहीं मादी है कि ना, मुझे मादी ही लगती है, तो मादी बनेगी ये और फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। अभी इसको उड़ाया छुड़ाया कुछ नहीं है, एक दिन ये खजल ख़राब हो गए। बेसिकली मैं इस छत पे इसको छोड़ा हुआ था मैंने, और ये चली गई मेरी परवाजी छत पे, वहाँ पे जाके बैठ गई, तो वहाँ से मादी उड़ी है एक, और उसके साथ ही ये इसने जुड़ा बांधा है। ये फ्री नहीं है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नीचे लंबी लंबी फ्री है, और उसके बाद को ये 3, 3:30, 4 बजे के करीब आके ना ये बैठी हुई थी ऊपर, यहाँ बैठा हुआ था। ये बेबी पिजन है बेसिकली, तो मुझे लगा किसी ने पकड़ लिया है, तो रब जाने ये कहाँ किधर चली गई, किधर नहीं गई या किधर चला गया, जो भी है। अब एक हिंट मैं ज़रूर देता हूँ भाई, इसके अंदर ये यहाँ से देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी सवाल सवाल है आपके लिए, और ये बताइएगा ज़रूर। ये देख लें जी, इसका थंबनेल मैं लगाऊंगा, और छोटा सा बेबी पिजन है, और मेरे हाथ में ये बंद पर का तो नहीं कहूँगा, बंद पर का खैर है भी नहीं, ये 3रा पर ये ला रहा है, तो मतलब 3 पर का हो गया ये पल्ला। ये देख सकते हैं आप इसका फिर से दोबारा से, तो ये बेसिकली अभी चोग ले रहा था, छोटा सा था, लेकिन मैं इसको ले आया था तो फिर वो कुछ कबूतर जो थे बच्चों से दूर करने थे, क्योंकि उड़ाने के लिए कबूतर सेट करने थे, जिस वजह से फिर इसको जो है इसके माँ बाप से मैंने अलग किया। आखिर इसकी कनियाँ चेक कर लें, और ये पर भी चेक कर लें, हर एक चीज़ देख लें ज़रा, और ये इसके भाई बहन जो हैं अच्छे खासे उड़े हैं मेरे पास, और ये भी मैं उड़ाऊँगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो शाम का वक्त था, मुझे लगा चलें जी एक वीडियो जो है आपसे शेयर की जाए, और इस परिंदे के बारे में आपसे एक सवाल पूछा जाए। तो सवाल में तो मैंने पूछ लिया, और मैंने एक पेयर जो है वो लगाया है, ये बड़ी मादी जो है मेरी, ये वाली मादी जो आपको सामने दिख रही है, कल परी कल दुम्बी, ठीक है, शार्के भी बोलते हैं लोग इनको, लेकिन मैं इनको जोंसरे ही बोलता हूँ, कलपुरे कल दुम्बे जोंसरे, और यहाँ दागों वाली नस्ल, और इसका जोड़ा लगाया ये जो टेढ़ा कबूतर है, ये कल सिरा सा कबूतर है। तो फिर ये कुछ कबूतर जो मैं लेके आया हूँ परवाजी छत से, ये मादी जो है इसके लिए नर जो है मैं अभी नहीं लाऊँगा, क्योंकि अंडों से बंद है, तो अंडे शंडे इसके निकलवाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। ये देखें अभी भी उधर जाने को कर रहा है ये वाला लाखा नर, 2 दिन उधर कह रहा है ये, इसको भी उधर की हवा लग गई है। तो चलें ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक से कमेंट ज़रूर करिएगा, और बताइएगा ज़रा वो बेबी पिजन जो है वो कितने क्रॉस से है या कौन सी नस्ल से बना हुआ है। तो अगर जो जवाब सही देगा उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं ज़रूर कहूँगा, उन भाइयों का मैं नाम ज़रूर लूँगा अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी। तो ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँगा, और ये देख सकते हैं मेरे पास ये यही चंद परिंदे हैं यहाँ पे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, एक वो अंदर 9 है, ठीक है। तो बाकी वो वाले परिंदे मेरी परवाजी छत वाले बंद हैं अभी, तो बंद क्या उनको बंद ही रखना है, अभी आज सुबह उड़ाए थे, छोटी सी क्लिप मैंने बनाई हुई है, वो मैं अपलोड कर दूँगा, वो भी वॉच किए करिएगा। ये परिंदे भी मैं खोल के बैठा था, शाम का वक्त था तो मुझे जाना था, तो मैं चलो पहले इनको दाना पानी कर लेता हूँ फिर मैं जाऊँगा। चलें जी सवाल के साथ वीडियो वाइंड अप करता हूँ, सवाल पसंद आए या नस्ल समझ में आए कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।